हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 1240 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो संक्रमितों की संख्या 158304 पर पहुंची। वहीं पर 1086 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। ठीक होने वालों का आंकड़ा हरियाणा में 146282 पर। वहीं पर राहत की बात यह है कि हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार 92.41% पर स्थित, तो 7 मरीजों की गई कोरोना की वजह से जान। मृतकों की संख्या 1727 पर। फिलहाल अभी भी हरियाणा में 10295 लोगों का इलाज जारी। हरियाणा के 22 जिलों में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस है सामने आए। सबसे ज्यादा मुश्किलें पूरी हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद की बड़ी हुई है, जहां पर रोजाना लगातार रिकॉर्ड तोड़ मरीज है वो सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद से 186 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। गुरुग्राम से 366, सोनीपत से 43, रेवाड़ी से 66, अंबाला से 11, रोहतक से 56, पानीपत से 21, करनाल से 7, हिसार से 101, 26 मरीज पलवल से, पंचकुला से 8, महेंद्रगढ़ से 64, झज्जर से 27, भिवानी से 42, कुरुक्षेत्र से 45, नूह से 3, सिरसा से 65, यमुनानगर से 11, फतेहाबाद से 63, कैथल से 6, जींद से 20, चरखी दादरी से 3 कोरोना के पॉजिटिव केस वो सामने आए हैं। ठीक होने वालों का जिक्र करें, 264 मरीज गुरुग्राम में ठीक हुए, 154 फरीदाबाद में ठीक हुए, सोनीपत में 44, रेवाड़ी में 74, अंबाला में 25, रोहतक में 35, पानीपत में 10, करनाल में 9, हिसार में 139, पलवल में 22, पंचकुला में 12, महेंद्रगढ़ में 40, झज्जर में 23, भिवानी में 41, कुरुक्षेत्र में 42, सिरसा में 86, यमुनानगर में 40, 14 मरीज कैथल में, जींद में 3 और चरखी दादरी में भी 3 मरीज ठीक होकर, 9 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। फिलहाल मृतकों की बात कर लेते हैं। दो दो मरीजों की मौत गुरुग्राम और फरीदाबाद में हुई है, जबकि एक एक की मौत सिरसा और कुरुक्षेत्र में, जबकि एक अन्य मरीज है वो चरखी दादरी में भी कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस की अगर हम बात करें, तो हरियाणा में इस वक्त सबसे कम एक्टिव केस 28 केस, यानी कि 28 लोगों का इलाज नूह में जारी है, 181 का चरखी दादरी में, 222 का जींद में, 159 का कैथल में चल रहा है इलाज अभी तक, 197 का यमुनानगर में जारी है, 122 का पलवल में जारी है और सबसे ज़्यादा मरीज 2870 गुरुग्राम में है। पूरे हरियाणा में एकमात्र गुरुग्राम ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं और यहाँ का रिकवरी रेट अब 88% पर पहुँचा है, मगर फरीदाबाद का रिकवरी रेट 95% है, सोनीपत का भी 95% है, अंबाला का 95% है, पानीपत का 95%, करनाल का 95%, पलवल, पंचकुला और इसके बाद अगर हम बात करें नूह की बात करें, लगभग यमुनानगर की बात करें, तो ये ऐसे ज़िले हैं जिनका रिकवरी रेट 95% से भी ज़्यादा का है। तो आप सभी से गुजारिश है, कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क जरूर रखें। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में अभी भी 172 लोगों की हालत नाजुक है, जिनमें से 145 की सांसें ऑक्सीजन पर है, तो 27 वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बहरहाल हरियाणा में मामलों के दोगुने होने की अवधि 47 दिन पर पहुंची है और अभी तक भी कोविड पॉजिटिव रेट 6.28% पर है और रिकवरी रेट 92.41% है। फिलहाल मरने वाले 1727 में से 1199 पुरुष, 528 महिलाएँ हैं। हरियाणा में कुल अभी तक 25,27,343 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 23,63,741 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 5,298 की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतजार है। हरियाणा में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 1 लाख से ज़्यादा पुरुष और 54,000 से ज़्यादा महिलाएँ हैं। फिलहाल हरियाणा में अगर सबसे कम रिकवरी रेट की अगर बात करें, तो वो कुल मिलाकर सबसे कम रिकवरी रेट के मामले में चरखी दादरी है और बाकी सब जिलों का रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा के तमाम जिले हैं वो जल्द ही कोरोना से मुक्त हो सकते हैं, मगर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरीके से नूह, कैथल, जींद, चरखी दादरी, पंचकुला और करनाल, पलवल की बात करें, तो इन जिलों में कोरोना के बहुत ही सीमित केस सामने आ रहे हैं। तो एक राहत की बात हरियाणा के लिए है कि लगातार हरियाणा में कोरोना का अब जो असर है वो कम हो रहा है, मगर संडे का दिन छोड़ दीजिए और आज अगर पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दशहरे का पर्व देश में मनाया गया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती हुई नज़र आई हैं, क्योंकि लोग अब चेहरे पर मास्क को भूलते जा रहे हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल डाल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और WHO ने कहा है कि देश में इस सर्दी की वजह से अगले
एक दो महीने मुश्किलें बढ़ सकती। तो ऐसे में आप सभी से गुजारिश है, आप जब भी घर से बाहर निकलें चेहरे पर मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने मित्रों दोस्तों का ख्याल रखें। और हाँ, यदि यूट्यूब पर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटा उसके भी दबा दें ताकि आपकी हर अपडेट आप तक हमारी सबसे पहले पहुँच सके। अब सब लोगों का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।